सभी खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और हमारे एबीपी न्यूज के सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आशीष के पास चलूंगी, लेकिन पहले कॉमोडोर एसपी सिंह साहब का रुख करेंगे। उनसे पहले बात अधूरी रह गई थी सर, जो सवाल मैं बाकी मेहमानों से पूछ रही थी, आज की परेड की हाईलाइट आपकी नजर में क्या रहने वाली है? आज की परेड की हाईलाइट है, जैसे आपने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, वो सबसे बड़ी हाईलाइट यही है। देश में हमारा जो नारी सम्मान है जिस शिखर पर पहुंच रहा है, वो सबसे बड़ी गौरव की बात है और इसमें हम सबको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आज हमारी नारी शक्ति सबसे आगे लीड ले। आप देखिए, किसी समय में फ्लाइंग में जो लेडीज वुमेन नहीं आ सकती थी, आज वो रफाल और Su-35 जहाज में, फाइटर जहाज में वो उड़ा रही हैं और अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, जैसे बड़े गौरव की बात है। और सारी कॉम्बैट आर्म्स में आज नारी शक्ति दिख रही है हमें, और ये देश के लिए बड़ी चार की नारी शक्ति जो एक कोमलता का प्रतीक मानी जाती थी, आज एक सशक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं और एक सिंबल है। बिल्कुल कॉमोडोर सिंह, आपने मेरे दिल की बात कह दी है सर, और मैं तो इसीलिए कह रही हूं कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा उत्साह आज उसी नारी शक्ति को देखने का होगा कर्तव्य पथ पर। जल्दी से आशीष का रुख करते हैं। आशीष, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, उसकी भी बड़ी तस्वीर आज कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, बताइए जरा दर्शकों को विस्तार से। देखिए, दो मेन चीज़ें यहाँ पर इस बार प्लैटिनम जुबली या रिपब्लिक डे पर दिखाई दे रही है। एक तो जो नारी शक्ति वाली बात आपने कही, पहली बार ट्राई सर्विस वुमेन कंटिजेंट दिखाई देगा, लेकिन आत्मनिर्भरता के पॉइंट ऑफ व्यू पहली बार ऐसा होगा जब मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 फ्लाईपास्ट में शामिल होगा। हालांकि फॉग काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से शायद विजिबिलिटी काफ़ी कम होगी, उसे स्पॉट कर पाना विशेष तौर पर उन दर्शकों के लिए जो कि कर्तव्य पथ पर बैठे होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उतना ही चैलेंजिंग होगा इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा। आप इनफैक्ट इस अगर पूरे विंटर सीजन में देखें तो सबसे ज़्यादा फॉग वाले दिनों में से आज की सुबह दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि अगले डेढ़ घंटे में वो फॉग थोड़ी सी कम होगी। C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लेकिन एक और रेसिप्रोसिटी वाली चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मैं क्योंकि था पेरिस में फ्रांस के, जब रिपब्लिक डे परेड मनाया जा रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट थे और इस बार इंडियन कंटिजेंट के साथ में वहां पर थे, इंडियन ट्राई सर्विस कंटिजेंट था, और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके भी फाइटर जेट्स, एक मीडियम मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भी होगा फ्लाईपास में, फ्रेंच एयरफोर्स का रफाल होगा, इंडियन एयरफोर्स का रफाल होगा, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। विशेष और जो बात आप कह रहे हैं ना भाई, फ्रेंच एयरफोर्स का रफाल कहां से होगा? वो जिस एयरबेस से होगा, वो एयरबेस जो अबुधाबी में बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पर, उस समय बनी थी, और पहली बार रफेल को जहां इंडक्ट किया गया था जिस एयरबेस पर, वहां के रफेल होंगे। और इससे कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के बीच जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, जो करीबियत है, कहीं ना कहीं वो भी रेखांकित होगी। जनरल सिन्हा, माना मैं फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर टिप्पणी करना चाहता हूं। आपको जान के खुशी होगी कि 1947 से अभी तक, मतलब 2023 तक, 5 बार फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलाया गया है। हाईएस्ट नंबर फ्रांस को यह सम्मान दिया गया, हाईएस्ट, और यह 6ठा बार है। 1976 में जैकलिन शिराक को बुलाया गया 2 बार, 1976 में, 1988 में, फिर 2016 में, तो इसके 5 बार बुलाया गया है और यह 6ठा बार बुलाया जा रहा है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट पिलर का दिशा बताता है कि हम यूरोप में एक महत्वपूर्ण पिलर फ्रांस के रूप में एक खास मित्र क्रिएट किए हैं, जो हमारा वेलविशर है, रफाल ऐसा मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइटर जेट दिया है और हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि यूरोप में अपनी एक पहचान, एक अपना सॉलिड मित्र बनाना, जैसे इसराइल हमारा मित्र है, तो ये दर्शाता है। और 6 बार किसी देश के प्रेसिडेंट को बुलाना, आपको ज्ञात हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना के एग्जीक्यूटिव हेड को बुलाया गया था सिर्फ 1958 में, जब हिंदी चीनी भाई भाई का भूत सवार था हिंदुस्तान में, और भूत मैं बोल रहा हूँ, भूत सवार था, पागलपन थी वो सोच। 1965 में खाली आप जो बोलते हैं ना सर, जनरल सेना, दर्शक जानते हैं कि आप हर बात जो है वो खूब ठोक बजा कर बोलते हैं, आप हर बात जो है वो डंके की चोट पर बोलते हैं, इसीलिए जब आप बोलते हैं सर तो दर्शकों को भी खूब मजा आता है और हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं एडमिरल घुरमणे आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि यहां पर फ्रांस की बात हो रही है, यहां पर रफेल विमानों की बात हो रही है, और देखिए वो जेट इंजन, उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत में किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी बात करना जरूरी है, तो कॉमोडोर सिंह के पास चलते हैं। कॉमोडोर सिंह, देखिए, जो फ्रांस जो है हमारा सदियों से हमारा डिफेंस पार्टनर रहा है,
उसके साथ हमारे इवेंट शुरू में जब हम देश आज़ाद हुआ था तब भी हमारे पास ऑर्गन जहाज थे और हमने जो है उनको यूज़ किया। उसके बाद हमारे आप देखिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी फ्रांस के जो जहाज आए, एक तो एंग्लो फ्रेंच एक जैगुआर आए डीप स्ट्राइक एक और दूसरे आए मिराज 2000, जिन्होंने पूरी दिशा और दशा बदल दी हमारे देश की। आप जो है कारगिल का युद्ध जो हमने जीता, टाइगर हिल पर अटैक था, वो मिराज 2000 था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद जो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें मिराज 2000 जो स्पाइस 2000 मिसाइल लेकर गए वो थे। तो आप देखिए मिराज जो है हर जगह हमारे काम आता रहा और अब जो है सबसे बड़ी जो ताकत इस समय विश्व में है रफाल जहाज वो हमारे पास है। वो 9500 किलोग्राम 9500 केजी वॉर हेड लेकर जा सकते हैं और जो है इस समय चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे सबसे शक्तिशाली जहाज जो है वो रफाल है। तो आप देखिए फ्रेंच फ्रांस एक के साथ जो हमारा चल रहा है डिफेंस एक्विजिशन वो बहुत ही सुदृढ़ है और बड़ा ही अच्छा है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, हम देश में अपना जो फिफ्थ जनरेशन का बनाना चाहते हैं एम का, उसके लिए जो हमें इंजन चाहिए वो शक्तिशाली इंजन जो है हमें फ्रांस से ही मिलेगा भी। बिल्कुल सैफरन एब्सोल्युटली। तो उसे सैफरन के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो शायद मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट बनेगा और उसमें हमारे देश में इंजन में शक्ति है। अभी जो हमारा इंजन बनाने की शक्ति है वो थोड़ी कम है, उसको जो फ्रांस बूस्ट देगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत एडमिरल घोरमड़े और फ्रांस के साथ ये रिश्ते ये करीबी ये बहुत ही जरूरी है कि फ्रांस के साथ हमारे जो रिश्ते जो बहुत अच्छी तरह से तेजी से और बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस एक हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इन्होंने हमें हमेशा मदद की है। और जैसे कि मरीन वर्शन ऑफ रफाल जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें एक कोऑर्डिनेशन ये होगी कि एयरफोर्स और नेवी के जो रफाल हैं उनका मेंटेनेंस भी एक साथ हो जाएगा। तो इसमें और आगे जब हम अपना टेड बीएफ जो ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जो बनाएंगे उसमें भी हमारी मदद होगी, जो इंजन हमें एमका के लिए मिलेगा और जो नेवल वर्शन में होगा। तो इस तरह बहुत सारी खूबियाँ हैं। फ्रांस एक इंडियन ओशन रीजन में भी एक बहुत ही उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है और हिंद महासागर में जहाँ हमारी हमारे देश की आर्थिक प्रगति यहाँ से होती है, क्योंकि हमारा जो व्यापार जो हिंद महासागर से होता है वहाँ पर भारत जो एक स्थिरता दिलाता है वहाँ फ्रांस का साथ में होना हमारे लिए बहुत अच्छा और अच्छा मायना रखता है। बिल्कुल सर, बड़ी उपलब्धि भी है और देखिए किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर देश नजर आता है, विश्व गुरु बनने की राह पर देश आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आपको बताते चले बेसब्री से इंतजार कर्तव्य पथ से आने वाली तस्वीरों का। और बस चंद लम्हों बाद आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर भी आपके सामने होगी। ABP News आपको रखे आगे।